जाम लग रहा है, जाम की समस्या से कैसे निजात दिलाना चाहते हैं आप? जाम की समस्या के लिए पहले तो हम लोग के यहाँ बलिया में जो है डिवाइडर नहीं है, और डिवाइडर भी है तो लोग जो है इधर से उधर कर देते हैं, प्रशासन की कोई नज़र नहीं रहता है, इसलिए जाम हम लोग के यहाँ ज़्यादा रहता है। बलिया के लोग जो है डिवाइडर को इधर उधर करके और अपने जो है आगे बढ़ने के लिए सहयोग नहीं करते हैं प्रशासन को, इसलिए ज़्यादा जाम होता है। बाईपास की डिमांड होती रही, मांग होती रही, लेकिन पूरा नहीं हो पा रहा है। बाईपास की डिमांड तो हम लोग के जिले के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के ज़माने से बाईपास की मांग हो रही थी, लेकिन आज तक पहल नहीं होला। बलिया के लिए बहुत बड़ा, इस क्रांतिकारी जिले के लिए जो है बहुत, इसको क्या कहा जाएगा कि असहनीय है, और इसके लिए जो है प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। जिला के जितने बड़ी नेता हैं उन लोगों से हम चाहेंगे कि इनका जो है बाईपास के लिए प्रयास होना चाहिए। अच्छा, दूसरा ये है कि जैसे अभी तो आ गई जाम की समस्या, आप जिले की चिकित्सा व्यवस्था से पूरी तरह संतुष्ट हैं? बलिया जिले की चिकित्सा व्यवस्था आप उत्तर प्रदेश को ले लीजिए, पूरा उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा निचला स्तर का कहीं व्यवस्था है तो बलिया जिला में है, क्योंकि बलिया जिला का कोई भी मरीज जो है यदि थोड़ा सा इमरजेंसी में होगा तो उसको मऊ या बनारस के लिए भेजा जाता है, और बलिया जिले में हॉस्पिटल के बगल में कम से कम 100 एम्बुलेंस खड़ा रहती है, और उन लोगों को फिक्स है कि ये लोग एम्बुलेंस लेकर जाएंगे, डॉक्टर साहब को 500 रुपये पकड़ाएंगे, एक एम्बुलेंस में यही व्यवस्था है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जैसे अभी जाम पे आपने बताया, फिर इसके बाद आप चिकित्सा व्यवस्था पे आए, सड़क व्यवस्था की स्थिति बलिया जनपद में कैसी है? आप हम पूरा प्रदेश घूम रहे हैं, पूरा प्रदेश में कहीं ना कहीं सड़क क्षेत्र में काम हुआ है बीजेपी सरकार में, हम मान रहे हैं, लेकिन बलिया क्षेत्र में सिर्फ पेपर में निकला है, क्योंकि पहले भी हमारे नेता हुआ करते थे वो पेपर में लोग निकलवाते थे, आज भी पेपर में निकलवा रहे हैं, लेकिन ज़मीन पर कुछ नहीं है। इसके लिए बलिया जिला में जो सपा के शासन में रोड का काम हुआ, खेपना में गिट्टी का हमेशा जो है कारोबार होता रहा, निकलता रहा, गिट्टी जाता रहा जिले भर में, और आज जो है बलिया जिला इतना सड़क के मायने में दुखी है कि अब क्या बताया जाए, इसकी सीमा नहीं है। नहीं, लोग कहते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर रहे वो भी कुछ नहीं कर पाए, क्या रहा रीजन? देखिए, उस जमाने में इतना सरकार के पास बजट नहीं था, उस जमाने में सरकार के पास इतना बजट नहीं था, ना बाईपास बन पाया, ना मेडिकल अच्छी फैसिलिटी मिल पाई बलिया को। देखिए, चंद्रशेखर जी की नीति दूसरी थी, चंद्रशेखर जी कहते थे कि जब देश का विकास होगा तो बलिया का विकास होगा, वो समाजवादी नेता थे, उनका चिंतन दूसरा था, आज वो स्थिति है नहीं। चंद्रशेखर जी के विचार को हम लोग ग्रहण करेंगे तो सबका साथ सबका विकास की बात है, लेकिन बलिया में सबका साथ और सबका विकास की बात नहीं है। जी, मतलब आपके कहने मतलब पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर बलिया के लिए पूरे देश के लिए सोचते थे। जी जी, तो अब जिसे उदाहरण लोग देते हैं कल्पनाथ राय का, मऊ का, उन्होंने जिस तरीके से बलिया का विकास किया, अगर चाहे होते तो पूर्व प्रधानमंत्री भी कर सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं चुप रह गई, लेकिन उनके पुत्र नीरज शेखर भी कुछ नहीं कर पाए, जैसा कि यहाँ जनता कहना है। देखिए, कल्पनाथ राय व्यक्तिगत मऊ के उत्थान के लिए नया जिला बना तो बनाए, कल्पनाथ राय का व्यक्तिगत सोच था कि मऊ को जो है विकास किया गया, विकास किए, अब फिर वही बात है, चंद्रशेखर जी देश के लिए सोचते थे, कल्पनाथ राय पूरा देश के बारे में नहीं सोचते थे, रह गई नीरज शेखर की बात है, तो नीरज शेखर को बलिया में समय देना चाहिए, और बलिया में अपनी पैठ जो है कार्यकर्ताओं के बीच में सामाजिक क्षेत्र में जो होना चाहिए वो सब इस समय नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या रीज़न है। बलिया में वैसे नेता की आवश्यकता है लेकिन जनता से दूर है।